जो होम मिनिस्ट्री में बैठी हुई पॉलिटिकल लीडरशिप है, अमित शाह साहब की इन्वॉल्वमेंट है इन हमलों को कराने में। देखिए पुलिस का जो हाल है वो तो कोर्टों ने एक के बाद एक के बाद फैसले दे के बता ही दिया कि पुलिस बिल्कुल ही बेईमानी से काम कर रही है। तो न्याय तो चाहिए नहीं, अन्याय कराना है। अमित शाह साहब की तो पॉलिसी यही है, जो गुजरात मॉडल है वही रिप्लीकेट करना चाहते थे। अब जब न्याय होने लगा तो कोई शर्म लिहाज तो है नहीं, तो पूरी बेशर्मी से जज साहब का ही तबादला करा दिया गया। ये जो सरकार बैठ गई है ये सिर्फ बेईमानी करने, लूट मार करने बैठी हुई है, और उसके लिए इनका जो ये जो क्रिमिनल मीडिया है वो साथ दे रही है। ये सब गुनहगार हैं देश को कमज़ोर करने के, और ये अपराधी हैं। प्रेस वाले भी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो भी, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स भी। CANRC के जो शांतिपूर्ण और पीसफुल प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान भारत का संविधान किस तरह से तोड़ा जा रहा है उस पर जा रहा था, उसको दबाने के लिए किस तरीके से BJP RSS के वर्कर्स के ज़रिए और पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ज़रिए हमले कराए गए थे। जितना ज़्यादा जल्दी, जितने ज़्यादा बड़ी तादाद में जनता सड़कों पर आएगी, जेल भरो आंदोलन करेगी, उतना ज़्यादा देश में संविधान का राज जो है मजबूत होगा, और संविधान मजबूत होगा देश भी मजबूत होगा। महमूद प्राचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से सेशन जज का जो है कड़कड़डूमा कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ये जिस तरीके से जिन हालात में ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, और ये कोई दिल्ली के जो तशद्दुद हुआ है, वायलेंस हुआ है, उसका कोई पहला ट्रांसफ़र तो है नहीं है। सबसे पहले आप सब लोगों को याद होगा कि जस्टिस मुरलीधर जब कपिल मिश्रा साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने का मुकदमा सुन रहे थे, और उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया था, और पुलिस को भी बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाई थी, और जॉइंट CP और जो भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं सॉलिसिटर जनरल साहब, उनको भी कितनी सख्त एक तरह से लताड़ लगाई गई थी कि आप FIR क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस तरह की भड़काऊ भाषण दिए हैं और इस प्रकार के काम किए हैं। तो उनका भी रातों रात ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये समझना, सीक्वेंस समझना। अब इसमें हालात देखिए क्या हैं, जो जिस किस लिए हम इसको, किन सबूतों की बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि इसमें जो होम मिनिस्ट्री में बैठी हुई पॉलिटिकल लीडरशिप है, अमित शाह साहब की इन्वॉल्वमेंट है इन हमलों को कराने में, ताकि CANRC के जो शांतिपूर्ण और पीसफुल प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान भारत का संविधान किस तरह से तोड़ा जा रहा है उस पर जा रहा था, उसको दबाने के लिए किस तरीके से BJP RSS के वर्कर्स के ज़रिए और पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ज़रिए हमले कराए गए थे, वो इस सबूत इन चीज़ों से और पुख्ता होती है, ये जो हम लोग बात कह रहे हैं। उसके बाद देखिए पुलिस का जो हाल है वो तो कोर्टों ने एक के बाद फैसले दे के बता ही दिया कि पुलिस बिल्कुल ही बेईमानी से काम कर रही है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी, जो अदालतों के पब्लिक प्रोसिक्यूटर नॉर्मली थे, उन पर भरोसा नहीं था सरकारों को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और दिल्ली सरकार ने भी उनका साथ दिया इनडायरेक्ट तरीके से, और पुलिस की जेब के करीब 14 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बना दिए गए, और जो रेगुलर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे उनको हटा के, जो ये हमले हुए उनके। तो पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल अलग अलग होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर न्यूट्रल होता है, सच्चाई के लिए काम करता है वो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो जनता की तरफ से जनता की आवाज़ होता है, तो वो भी पुलिस का ही हो गया, यानी कि होम मिनिस्टर साहब के एकदम काबू में आ गया इदारा। अब जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी, जो बड़े मुकदमे हैं उनके लिए 2 स्पेशल अदालत बनी थी, और वो इसीलिए बनी थी कि दंगों के मुकदमे जो हैं ध्यान से और जल्दी निपटारा करेंगे इनका, ताकि इसमें जल्दी न्याय हो सके निष्पक्ष जाँच के साथ। तो उनमें से एक को अब हटा दिया गया, हालाँकि वो बनाए ही गए थे इसीलिए कि ये सारे दंगों के केस देखेंगे। अब उनको क्यों हटा दिया, उसकी वजह भी सुन लीजिए। ये शुरू शुरू में जज साहब ने, ये वो जज साहब हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो तथ्य हैं वो बता रहा हूँ सिर्फ,
जिन्होंने मेरे खिलाफ भी एफआईआर का ऑर्डर किया था। तब तक हम लोग इनको बता रहे थे कि इस प्रकार से ज्यादती हो रही है, लेकिन जो जो ये जो फ्रॉड मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, वो एक ऐसा माहौल बना देती है कि जजेस भी जो हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं, वो भी उस माहौल में कुछ ना कुछ असरअंदाज होता है, उसके ऊपर उसका असर पड़ता है जजेस के ऊपर। तो उस माहौल में हमारे खिलाफ़ भी एफआईआर का ऑर्डर दिया इन्हीं जज साहब ने, यादव साहब ने। लेकिन धीरे धीरे करके जब हमने उनको सच्चाई बताई, सच्चाई समझाई, तो उनकी समझ में आई, तो फिर उन्होंने ऐसे ऑर्डर करने शुरू किए कि ये दिल्ली पुलिस जो है ये तो पूरी की पूरी जो है बेकार है, नाकारा है और मिली हुई है, और आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बचाने का काम कर रही है, पुलिस को बचाने का काम कर रही है, जिन लोगों ने गुनाह किए हैं, जुर्म किए। अब जब ये है भारत के संविधान की ताकत, ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने जो संविधान बनाया है और जो कानून बनाया है, के बावजूद इसके कि सभी इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं, फिर भी इस तरह के ऑर्डर्स तो आने लगे। अब इस पूरे मामले में अब लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, या जो केस आप देख रहे थे या जो मुकदमे चल रहे हैं, उन लोगों में कहीं डर या अब इंसाफ मिलने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ देर होगी, अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा, क्या आगे आप देख रहे हैं इसमें? मैं वही अर्ज़ कर रहा था, जब ये हालात हैं तो इन हालात में जब न्याय होने लगा तो न्याय तो चाहिए नहीं, अन्याय कराना है। अमित शाह साहब की तो पॉलिसी यही है, जो गुजरात मॉडल है वही रिप्लीकेट करना चाहते थे। अब जब न्याय होने लगा तो कोई शर्म लिहाज तो है नहीं, तो पूरी बेशर्मी से जज साहब का ही तबादला करा दिया गया, और एक का नहीं दो का करा गया, और ये दोनों वही जजेस हैं जिन्होंने एक फाउद्दीन साहब का भी हुआ, उन्होंने भी एक बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स के जिसको बम फेंकने का एक तरह से इनाम दे के बीजेपी का पदाधिकारी बनाया गया, यूथ विंग का शाहदरा ज़िले का, उसके खिलाफ ये फाउद्दीन साहब ने ऑर्डर किए थे, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, और विनोद यादव जी के ऑर्डर्स तो सब देख ही रहे हैं। लेकिन जो दूसरे भी जज हैं, अब जब वो आएंगे तो एक दूसरा माहौल सोच के आते हैं, लेकिन जब उन्हें कन्विंस किया जाएगा तो वो भी शायद ऐसे ऑर्डर करने लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कितने महमूद प्राचा एडवोकेट्स के खिलाफ रेड कराई जाएगी, उनको मारने की कोशिश की जाएगी, कितने जो जज साहब हैं उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाएगी, ये सब काम नहीं आने वाला है। जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है तब तक न्याय ही होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, हाँ ये मैं समझ सकता हूँ, लोगों को एक बड़ी उम्मीद जगी थी कि अब बड़ी जल्दी न्याय मिलेगा, और पुलिस भी जेल के पीछे जाएगी, और ये जो आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तो जा ही रहे हैं और भी ज़्यादा जाएंगे, तो उसमें थोड़ा धक्का तो लगा है, लेकिन लोगों को हौसला रखना चाहिए, कुछ ही दिन की बात है फिर सच्चाई सामने आएगी और ये लोग सब दोबारा जेल जाने की तैयारी करें। फिर अगर उनका भी ट्रांसफ़र करा दिया जाता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, कब तक मेरे जैसे वकील या दूसरे ईमानदार वकील है उनके ऊपर हमले कराए जाएंगे, कब तक जजेस बदले जाएंगे, कितने जजेस बदलेंगे, सच्चाई को दबा नहीं पाएंगे। इस तरीके के जो ट्रांसफ़र कराए जाते हैं तो आवाम क्या इस पे एक्शन ले, लोग किस तरीके से आवाज़ उठाएं, अगर कोई वकील या कोई जज अच्छा काम कर रहा है और निष्पक्षता के साथ जो है आवाज़ उठा रहा है, इंसाफ दिला रहा है, तो पब्लिक किस तरीके से साथ दे, भाई ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरे ख्याल से मेरी तो राय जैसी है वो दुनिया जानती है कि जो पब्लिक है वो मालिक है इस देश की, जो वी द पीपल है हम ही मालिक है ना, हम ही जनता से बढ़कर तो कोई भी नहीं है ना, राष्ट्रपति ना पार्लियामेंट ना जनता, तो सबके ऊपर है। तो जनता को जब देश खतरे में है, संविधान खतरे में, उनका अपना बनाया हुआ संविधान जो बाबा साहब से बनवाया जनता ने देश की, तो जब वो खतरे में है तो उनको सड़कों पे आना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए, क्योंकि मालिक तो जनता ही है, जो ये नौकर हैं प्रधानमंत्री और जो ये जजेस भी नौकर हैं जनता के, पुलिस भी नौकर है जनता की, जब नौकर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं जनता के, तो जनता को आके जो संविधान ने उनको रास्ता जिन्होंने तजवीज़ किया है उसके हिसाब से पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए बड़े लेवल पर। ये तो मैं कह रहा हूँ बात, चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही तो बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट दबाव महसूस कर रहा है, आम जनता आके उनकी हिफाजत करे, रक्षा करे, ये तो सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस ने 2018 में कहा था, तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी हमारी मानी है, और उसकी जिम्मेदारी जनता की है कि न्यायिक व्यवस्था को, देश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जनता को सड़कों पर आना चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट करके जरिए, जितना ज़्यादा जल्दी जितने ज़्यादा बड़ी तादाद में जनता सड़कों पे आएगी, जेल भरो आंदोलन करेगी, उतना ज़्यादा
देश में संविधान का राज जो है मजबूत होगा और संविधान मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा। क्या उस बात को नज़रअंदाज किया गया, इसलिए ये सारी बातें सामने आ रही हैं? अगर जजेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या उस बात को अगर लोग तवज्जो से देखते और इस पर कुछ अमल करते तो आज शायद ये हालात ना बनते, आप किस तरह देखते? 100% अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस की गुहार, एक तरह से गुहार ही थी वो, कितने कभी नहीं हुआ ऐसा हिस्ट्री में, कितनी बेबसी थी उनकी, कितनी मतलब दर्द में होंगे वो जो उन्होंने आके ये इतना बड़ा स्टेप उठाया। तो जनता ने उनकी बात नहीं सुनी तो उसी का अंजाम है जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये बदमाशी और लूट मार करने के लिए सरकार जो है किसी प्रकार से लोगों को बहका के मुसलमानों की नफरत पैदा करके सरकार पे आ गई है, पर ये संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। तो ये गैरकानूनी काम कर रही है, अपराध कर रही है और देश में लूट मार कर रही है। और अपने कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं जैसे अडानी साहब हैं, अडानी साहब के अभी जो पोर्ट है जो उनको दान में ही दे दिया गया एक तरह से, या उनको गिफ्ट कर दी मोदी साहब ने, अब उसमें वो ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। बड़े जो सबसे बड़ा आज तक का जो रिकवरी हुई है ड्रग्स की, वो अडानी साहब के पोर्ट से हुई है। तो इन गतिविधियों में लिप्त है सरकार भी, एक तरह से लिप्त है। ये इस मुझे कहने में कोई इसमें जो हालात पैदा हो रहे हैं, पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी, बेरोज़गारी बढ़ गई, चाइना हमारे देश को एक तरीके से कब्जा करने के लिए आगे दिन ब दिन बढ़े आ रहा है, किलोमीटर की किलोमीटर ज़मीन खा जा रहा है, और हमारी देश की इतनी मजबूत सेना होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये सरकार की कमी है ना, सेना की कमी नहीं है, देश की कमी नहीं है। ये जो सरकार बैठ गई है ये सिर्फ बेईमानी करने, लूट मार करने बैठी हुई है, और उसके लिए इनका जो ये जो क्रिमिनल मीडिया है वो साथ दे रही है। ये सब गुनहगार हैं देश को कमज़ोर करने के, और ये अपराधी हैं, प्रेस वाले भी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो भी, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स भी, और बहुत सारे जुडिशरी में जो ऑफिसर्स हैं जिनको इन्होंने अपने दबाव में ले रखा है या लालच दे रखी है, वो सब आरएसएस और बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन के जो काम कर रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं। ये तो लगातार दिख रहा है अभी, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार हुआ, और अब बताया जा रहा है कि वो मंत्री का बेटा नेपाल भाग गया, उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। भाग नहीं गया है उसको, बाकायदा जो भी ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं छोड़ के आए होंगे अगर नेपाल चला गया है वो। कोई भागने की हिम्मत नहीं है किसी की। भारत की जो पुलिस फोर्स है ना, आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी कमज़ोर नहीं हुई है, क्योंकि कुछ ईमानदार अफसर ही काफ़ी हैं, वो हैं, लेकिन खुद ही जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं वो उसको लेके गए होंगे। तो होम मिनिस्टर कह रहे हैं, होम मिनिस्टर कुछ दिन पहले कह रहे थे हम 2 मिनट में सबक सिखा देंगे, वही सबक तो सिखाया है। होम मिनिस्टर स्वयं जो हैं शर्मा साहब, मिश्रा साहब, वो तो स्वयं कह रहे थे, उन्हीं के बेटे से उन्होंने करा। उससे पहले देखिए जो असम के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने भाई जो एसपी थे उनके जरिए कितना विभत्स कांड कराया। उसके बाद खट्टर साहब जो इनके तीसरे में वो हैं चीफ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं लठ चलाओ, लोगों को इकट्ठा करो और किसानों को मारो, ये चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। तो इनकी तो आइडियोलॉजी यही है ना कि लूट मार करो हथियारों के दम पे, जनता की आवाज़ दबाओ, जनता को लूटो और उनको उफ भी ना करने दो, यही तो इनकी पॉलिसी है। तो क्या सिर्फ मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसे लोगों को ही निशाना बनाया जाता रहेगा? नहीं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और दूसरे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है सबसे पहले राउंड में, उससे भी ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, जो मुसलमानों से भी ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और बाकियों का नंबर आ ही रहा है। कौन से गुप्ता साहब बच गए? गुप्ता साहब को भी तो पुलिस ने पैसे छीनने के लिए ही गोली मारी थी, कोई गुप्ता साहब भी नहीं बचने वाले, क्योंकि पुलिस के मुंह को खून लग गया है और इन लोगों ने खुली छूट दे रखी है कि तुम जो है हमारे गुंडा एक माफिया फोर्स की तरह काम करोगे, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी। और जब माफिया की तरह काम करने की आदत पड़ गई तो मुसलमानों के ऊपर भी जो हाथ खुला है उनका, जो दलितों के ऊपर हाथ खुला है, जो ट्राइबल्स के ऊपर हाथ खुला है उसका, वो तो कोई भी सामने आएगा तो बेचारे मुसलमानों के पास, एस सी एस टीज के पास तो पैसा कम है, जो लूट मार करने की ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो तो जो दूसरे लोगों से ही होने वाला है। तो पुलिस तो लूट मार करेगी, और लूट मार करने के लिए अच्छी जगहें कोठियां होती हैं, कोई गरीब की झुग्गी नहीं होती है। इसी के साथ में राबिया का केस भी आप देख रहे हैं, उसका क्या अभी तक प्रोसीजर रहा है? भैया उसी में सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग होने में देर हो रही है, हमें मजबूरी में इसमें सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाना पड़ रहा है कि दिल्ली और हरियाणा सरकार की दो जुरिसडिक्शन इसमें उन्होंने क्रिएट की हैं इस केस को कमज़ोर करने के लिए। उस मुसीबत से या उस जाल से निकलने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी हियरिंग पे आएगा और उसमें कुछ हमें ऑर्डर में। कब तक, मतलब कितने दिन? नेक्स्ट वीक तक आने की उम्मीद है वो हियरिंग। जो इसमें मुख्य आरोपी जो तहसीलदार बताया जा रहा था रविंदर सिंह मेहरा, उसकी कुछ अपडेट आपके पास? नहीं, वो तो पुलिस ने क्या जो करोड़ों रुपये का हेर फेर दिल्ली सरकार कर रही थी सिविल डिफेंस के अफसरों के द्वारा,
वही उसी की लीपापोती करने का तो इस ये मामला है सारा जो नज़र आ रहा है। तो राबिया को कोई जिस तरीके से मारा गया है वो कोई कोई छोटी घटना नहीं है, उसके पीछे ये बड़ी साजिश है जो बहुत जल्दी बेनकाब होगी। लगेगा, लग रहा है कि इसमें भी कुछ इंसाफ मिल पाएगा उसको। देखिए अगर अगर कामिनी की तरह 8 साल का ही वक्त नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है हमारा वो इंसाफ होने देने में रुकावटें पैदा करता है, तो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे, मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे, हिम्मत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो न्याय मिलेगा। ये आपकी अपील का लोगों पे असर हुआ है, जो प्रदर्शन जो कैंडल मार्च रोक दिए गए थे बीच में वो धीरे धीरे दोबारा से शुरू, वो दोबारा से नहीं, वो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो माँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, ये तो पहली ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर कमज़ोर तबकों की माँ बेटियाँ तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, वो तो दिन रात जारी रहने चाहिए। हर चीज़ का जवाब जो हमारे पास आज बचा है वो सिर्फ प्रदर्शन बचाए, पीसफुल प्रदर्शन वो करना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे, दिल्ली दंगों के जो पीड़ित हैं वो किस तरीके से अपने आप को अभी संभालें या कमज़ोर ना समझें? संविधान पे भरोसा रखें, जब एक जज जाएगा दूसरा जज आएगा, संविधान वहीं का वहीं रहेगा। पुलिस ऑफिसर्स आएंगे जाएंगे, महमूद प्राचा आएंगे जाएंगे, लेकिन संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उसको बचाए रखने के लिए संघर्ष करें, प्रदर्शन करें, इस देश में न्याय मिलेगा, सच्चाई की जीत होगी। बिल्कुल हौसला मत खोएं, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये जज साहब भी वैसे ही ऑर्डर देंगे जो न्याय और इंसाफ पे बेस्ड होंगे।